बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब जी? आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी। चलें प्रोसेस शुरू करते हैं। आप पैन में ऑयल डालें और उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। ये ऑयल गर्म हो गया, हमने इसमें 3 अदद प्याज बारीक काट कर डाल दिए। अब इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। जी, प्याज हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम इस पर लहसुन डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ 2 चम्मच। जी, अब प्याज और लहसुन जो है वो हल्का हल्का ब्राउन हो गया। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। हम 1/2 चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। जी, टमाटर डालकर अब इसको अच्छी तरह से भूनना है मसाले को 2-3 मिनट तक, ताकि ये टमाटर नरम पड़ जाए। जी, ये देखिए मसाला इस तरह भूनता जा रहा है। अभी स्टेज पर हम 2 अदद क्यूब्स डालेंगे। मैंने ज्यादा मसाले नहीं डाले थे ताकि चिकन क्यूब्स डाल सकूं। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर पालक डाल देंगे, जो मैंने इसमें काट कर धोकर रखी हुई है। जी, जब तक पालक का पानी नहीं खुश्क हो जाता तब तक हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पका लेंगे। जी, पालक भुनी गई है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू को 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम इसमें गोभी और गाजर डालकर दम दे देंगे। जी, आलू हल्के से गल गए हैं, अब हम इस स्टेज पे गोभी डाल देंगे। जी, तो इसी गाजरें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1/2 कप पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।